ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज है बंद हवेली अज एम ए राहत मैंने हवेली में दाखिल होने के लिए जिस जगह का इंतखा किया था वो बहुत मुनासिब थी हम इससे अंदर दाखिल हो गए रफी बे जिगरी के साथ मेरा साथ दे रहा था आज मैंने ज्यादा तफसील के साथ और गौर से एक एक चीज को देखा यहाँ उनके अकायद के मुताबिक जगह जगह बुत इस्तादा थे उनके दरमियान से गुजरते हुए मैंने सांसों की आवाज़ें तक सुनी मुझे क्यों लगा जैसे वो पत्थर के ना हों बल्कि जिंदा इंसान हों जो बुतों का रूप धार कर खड़े हो गए हों बल्कि मैंने कुछ और भी देखा और एक जगह तो मैं वो मंज़र देखकर कर साकत हो गया एक भयानक शक्ल का बुत था जो बेहद खुशनाक नज़रों से हमें देख रहा था उसकी आंखों में शदीद नफ़रत थी हम उसके करीब से गुज़र कर आगे बढ़े तो उसकी गर्दन हमारी तरफ घूम गई न सिर्फ मैंने बल्कि रफ़ील्ला ने भी ये बात महसूस कर ली और उसने मेरा बाज़ू पकड़ कर कहा उसने गर्दन घुमाई है वो वो बुत नहीं जिंदा इंसान है इनमें से कोई बुत नहीं है वो सब बुतों का रूप धार कर खड़े हो गए हैं किसी भी लम्हे वो हम पर पीछे से हमला कर देंगे उसकी आवाज़ में खौफ था आओ चेक कर लेते हैं मैंने कहा और रफ़ील्ला का शाना पकड़कर वापस पलटा रफ़ी अल्लाह कप कप आ रहा था क -क 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 क्या करोगे वो बताएगा कि वो बुत है या इंसान मैंने कहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके तरफ बढ़ने लगा कमाल हो गया था जू जू मैं बुध की तरफ बढ़ रहा था बुध के चेहरे के नकुश बदल रहे थे अब उसकी आंखों में नफरत की बजाय खौफ की परछाइयां नजर आ रही थीं। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया हाँ बताओ तुम बुद्ध हो या इंसान बताओ मैंने कहा और एक दीवानगी का अमल किया मैंने एक जोरदार पंच बुद्ध के मुंह पर रसीद किया और उसकी गर्दन टूट कर दूर जा गिरी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ था और काले इल्म की किसी मूर्त की शक्ल रखता था मैंने टेलीविजन पर हिंदी मजहबी फिल्मों में उनके देवी देवताओं के बुत देखे थे लेकिन यहाँ मौजूद बुत उनमें से किसी की शबी नहीं थे बल्कि ये नहायत भयानक शक्लें रखते थे कोई किसी जानवर की शक्ल में कोई इंसान और जानवर की मिली जुली शक्ल में इस बुत की गर्दन टूटकर दूर गिरी तो एक अजीब सा शोर चारों तरफ बुलंद हो गया मधम मधम सरगोशियां खौफ में डूबी आवाज़ें जो कुछ मैं और रफ़ील्ला देख रहे थे वो दुनिया का सबसे हैरतनाक मंजर कहा जा सकता था वो बुद्ध जो मुझे कहरनाक नज़रों से देख रहे थे अब खौफ से इधर उधर देख रहे थे यूँ लग रहा था जैसे मौका मिलते ही अपनी जगह से भाग खड़े होंगे फिर एकदम सन्नाटा छा गया माहौल वाकई बेहद भयानक था लेकिन मेरे दिल से खौफ निकल गया था मैं इस सारी सूरत हाल से लुत्फ ले रहा था फिर मैंने आगे कदम बढ़ा दिए मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था कि सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा था कि वही था जिसमें मैंने लड़के की लाश और इंसानी ढांचा कुर्सी पर बैठा देखा था आओ मैंने रफ़ील्ला से कहा हैरानी रफ़ील्ला पर थी जो बड़ी पामर्दी से मेरा साथ दे रहा था मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया फिर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई वो कुर्सी सामने पड़ी थी जिस पर मैंने इस इंसानी ढांचे को इस तरह बैठे हुए देखा था जैसे वो बिस्तर में लेटी लड़की का पहरा दे रहा हो लेकिन इस वक्त कुर्सी खाली थी तब मेरी नज़रें उस चप्पर खट की तरफ उठ गई लड़की भी वहाँ मौजूद नहीं थी पूरा कमरा खाली था कहाँ चले गए तुम लोग मेरे प्यारे मेज़बानों देख लो मैं फिर आ गया हूँ मेरे सामने आओ अच्छे मेज़बान होने का सबूत दो मुझे अपने बारे में बताओ पूरी कहानी सुना दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा फिर कभी तुम्हें तो परेशान नहीं करूँगा मैंने आवाज़ें बुलंद ये अल्फाज कहे मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और एक भयानक तासुर पैदा हो रहा था मैं आगे बढ़ा और छप्पर खट के एक तरफ बैठ गया दस मिनट तक मैंने इंतज़ार किया उसके बाद छप्पर खट से उठ गया आओ रफी उनकी हवेली में तलाश करें। रफ़ील्ला तो बहादरी के झंडे गाड़ रहा था वो मुझसे ज़्यादा अगड़ कर चल रहा था फिर हम इस तरह हवेली के बाहर गोशों का जायज़ा लेते फिरे, जैसे कोई म्यूज़ियम को देख कर बहुत मुतासर हुआ था किसी राजा महाराजा के दौलत गदे का मंजर था क़ीमती फर्नीचर पेश़ क़ीमत पर्दे कदीम तर्ज के डेकोरेशन पीस चांदी और सोने के पत्थर चढ़े जरूफ हैरान कन बात यह थी कि सब जों के तू पड़े थे और किसी ने उन्हें लालच की नज़रों से नहीं देखा था वैसे तो पूरी हवेली में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जिससे खौफ का तासर उभरता सवाए इन खौफनाक मुजस्मों के जिनके चेहरों के बदलते तासर हैरत या खौफ का मजहर थे वो जगह जगह मौजूद थे लेकिन इंसानी ढांचे और लड़की की लाश का कहीं पता नहीं चला था क्या कहते हो रफीउल्लाह यहाँ की सारी खौफनाक रूहें मैदान छोड़कर भाग गईं अब क्या करें यहाँ रुकोगे मंसूर भैया रुककर उनकी वापसी का इंतजार किया जा सकता है लेकिन अगर उन्हें हमारा सामना करना होता तो फरार ना होते वो हमारी मौजूदगी में शायद वापस हम, हाँ हाँ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक एक आवाज़ सुनाई थी और हम चौंक पड़े आ गए शायद मैंने कहा और कदमों की आवाज़ें सुनने लगा रफियोला भी चौकस हो गया था दरवाज़ा खुला और एक इंसानी साया दिखाई दिया लेकिन वो रोशनी में आया तो हम दोनों चौंक पड़े वो रमज़ान ख़ान था वो अंदर दाखिल हो गया मैं ग़ौर से उसे देखने लगा वो कोई और भी हो सकता था जिस तरह राबिया असल राबिया नहीं थी इसी तरह रमज़ान ख़ान के रूप में कोई बैर भी हो सकता था मेरे जहन में फौरन सलाम का ख़याल आया और मैंने उन्हें सलाम किया तो रमज़ान ख़ान ने फ़ौर सलाम का जवाब दिया मुझे इतमान हो गया मैंने बेचैनी से पूछा आप क्यों आ गए रमज़ान खान दिल नहीं माना था छोटे मालिक मगर अंदर कैसे आए अंदर आने का रास्ता तो हमने बड़ी मुश्किल से पाया था मैं किसी और रास्ते से आया हूं छोटे मालिक कोई और रास्ता था अंदर आने का हाँ आपने हमें क्यों नहीं बताया मैं चाहता नहीं था आप अंदर आए अब दिल नहीं माना तो आ गया मेरा क्या है वैसे भी अब आखिरी दिन है जो होगा अल्लाह मालिक है अब आप वापस चलें तो मेहरबानी होगी हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा कुछ नहीं होगा रमज़ान ख़ान आपने यह हवेली अंदर से देखी है दो बार छोटे मालिक रमज़ान ख़ान ने इनकार किया लेकिन मैं ज़बरदस्ती उन्हें इस कमरे में ले गया जहाँ ख़ाली कुर्सी और ख़ाली छप्पर खट पड़ा हुआ था मैंने उन्हें बताया कि मैंने यहाँ क्या देखा था रमज़ान ख़ान ने एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला हम कमरे से बाहर आ गए तो उन्होंने कहा अब और क्या देखेंगे छोटे मालिक इन दोनों की वापसी का इंतज़ार करूंगा मैंने कहा था कि चिता के पास बैठकर रोती हुई औरत मुझे खुद बताएगी कि वह कौन है और मैं उससे पूछ कर रहूंगा मैं ख़ुद अपनी उलझन रफा करूंगा मैंने हाथरस छोड़ दिया मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को मुश्किल का शिकार करूं अपनी मुश्किल मैं खुद दूर करूंगा रमज़ान खान देर तक खामोश रहे फिर उन्होंने चेहरा उठाया और बोले और क्या लेना है इस हवेली से आपको कुछ नहीं रमज़ान ख़ान अगर वो औरत मज़लूम है अगर कोई मज़लूम रूह मुझसे कुछ चाहती है तो मैं देखूँगा कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ या नहीं अगर मैं वो नहीं कर सकूंगा तो उससे माफ़ी मांगूंगा और यहाँ से वापस चला जाऊंगा हाँ वो तुमसे कुछ चाहती है इस बार रमजान खान का लहजा बड़ा अजीब था मैं और रफी चौंक कर उन्हें देखने लगे आपने क्या कहा रमजान खान कि आपने ये कहा कि हाँ वो मुझसे कुछ चाहती है मैंने हैरानी से पूछा चलो हवेली चलो अपने बाप दादा की हवेली चलो वहाँ उनकी रूहें भी मौजूद होंगी वो मेरी बात की गवाही देंगी मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो कौन है और तुमसे क्या चाहती हैं रमज़ान खान ने बड़े जोश के आलम में कहा फिर उनकी खौफनाक आवाज़ उभरी ठीक है रे गुजाधर रुक गया मैं जब तक रुकना था डर कर नहीं रुका तुमसे दूसरों के लिए ज़बान बंद की थी पर पाप दादा ने इस ख़ानदान का नमक खाया है नमक का कर्ज दस बार मर कर भी नहीं उतरता मालिक ने जान खतरे में डाल दी है बैठ कर नहीं देख सकता रे गुजाधर क्षमा कर देना मुझे तेरा कोई धर्म है तो हमारा भी तो है हम भी अपने धर्म पर चलेंगे आओ छोटे मालिक वापस चलें आओ हम सारी कहानी सुना देंगे तुमने इस बंद हवेली की दीवारें तोड़ी हैं तो हम भी अपना फ़र्ज पूरा करेंगे आओ वो चल पड़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे रमज़ान खान का चेहरा जोश से तमतमा रहा था हवेली के उकबी हिस्से में एक बरगद के पुराने दरख्त के खोखले तने को बेरी के कांटों और झाड़ियों से ढक रखा था इन्हीं झाड़ियों से गहराइयां नीचे जाती थीं और कोई पंद्रह फुट आगे जाकर एक सूखे नाले तक ले जाती थीं जो खुले आसमान के नीचे था इससे ऊपर निकलते थे तो थोड़े फासले पर दूसरी हवेली का दरवाज़ा आ जाता था रमज़ान खान की बीवी और बेटियां जाग रही थीं उन्होंने आवाज़ लगाई चाय बना लाओ लड़कियों बढ़िया सी हम लोग फर्श पर बिछी दरी पर बैठ गए चाय इस वक्त बड़ी अच्छी लग रही थी रमज़ान ख़ान ने बोलना शुरू किया बड़ी अच्छी आबादी थी हम लोग बड़े भाईचारे से रहते थे गुजादर अच्छा इंसान था काफ़ी ज़मींदारी थी उसकी इधर हमारे बड़े मालिक हाशिम अब्दुल्ला भी किसी से कम नहीं थे टक्कर के ज़मींदार थे दोनों सरवजनी बड़ी मान मन्नतों से पैदा हुई थी अकेली ही रही कोई दूसरी औलाद नहीं हुई गुजादर के यहाँ जान थी गुजादर की इसमें सरवजनी जिसे गुजादर प्यार से सरवजा कहता था कि मुलाकात आपके वालिद से हुई दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे इतनी शद मोहब्बत कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है सबको पता चल गया बड़ों ने मिलकर कोशिशें शुरू कर दी कि दोनों अलग हो जाएं। सारे जतन कर लिए पर उन्हें एक दूसरे से दूर न कर सके आहिस्ता आहिस्ता दिलों में नफ़रत बैठने लगी गुजादर तो इतना बुरा आदमी नहीं था लेकिन उसके दोनों बेटों ने खुलकर ऐरान कर दिया था कि अगर नासिर अब्दुल्ला बाज ना आए और उन्होंने सरवजा से मिलना न छोड़ा तो वो उन्हें मरवा देंगे लोगों ने उन्हें समझाया खुद गुजादर ने सख्ती से राम मनोहर और बांकेधर धर से कहा कि वो ऐसी कोई हरकत न करें बाप बेटों के दरमियान इतना इख्त हुआ कि राम मनोहर और बंकेदर ने यह इलाका ही छोड़ दिया और दिल्ली जाकर आबाद हो गए गुजादर को ख़बर मिली कि वो साजिश कर रहे हैं कि इलाक़े में फसाद कराकर हाशिम अब्दुल्ला के ख़ानदान को ख़त्म करा दें यह मालूम होने पर ठाकुर गुजादर ने बेटों से कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो हवेली को आग लगाकर सरवजा और ख़ुद को भस्म कर लेंगे इधर नासिर अब्दुल्ला ने एक बुज़ुर्ग आलमी अकील अकबर के हाथों सरवजा को मुसलमान किया उसका नाम सुल्ताना रखा और फिर उससे निकाह कर लिया ये खबर फैली तो बड़े पैमाने पर फसादात का खतरा पैदा हो गया हर तरफ हलचल मच गई हिंदू इंतहा पसंदों ने खौफनाक तबाही के मंसूबे बनाए कई मुतासिब तंजीमों ने दूर दूर तक नफ़रत की आग लगा दी नासिर अब्दुल्ला और सरवजा रूपोश हो गए और उन्हें सरकारी तौर पर तलाश किया जाने लगा कुछ काले आलूम के माहिर साधुओं ने अपने इल्म से इनका खोज लगाने की कामयाब कोशिश की वहाँ छापा मारकर सुल्ताना को कब्ज़े में ले लिया गया सुल्ताना ने बयान दिया कि उसने सब अपनी मर्जी से किया है लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं थी हुकूमत इस मसले को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खूब आग फैल गई थी कई मुस्लिम तंजीमों ने वार्निंग दी थी कि अगर नासिर अब्दुल्ला को कोई नुकसान पहुंचा तो वो उसके बाल बाल का बदला लेंगे इधर धर्म रक्षा तंजीमों ने तैयारियां शुरू कर दीं नासर अब्दुल्ला ख़ानदान के एक घर को निशान जदा कर दिया गया और वार्निंग दे दी गई कि इसे खाकस्तर कर दिया जाएगा गर्ज़ हर तरफ हाहाकार मच गई तब नासिर अब्दुल्ला का पूरा ख़ानदान हाशिम अब्दुल्ला के पास जमा हो गया लोग बिगड़ने लगे कि इसके बेटे ने सारे ख़ानदान की जिंदगी खतरे में डाल दी है इधर धर्म रक्षा तनजीमों ने मुतालबा किया कि नासिर अब्दुल्ला को इसके हवाले कर दिया जाए वो उसे खुद मजाक चखा देंगे नासिर अब्दुल्ला ने माँ बाप से कहा कि वो रुपोश हो जाता है दोबारा कभी उनके पास नहीं आएगा लेकिन सब जानते थे कि आग इस तरह ठंडी नहीं होगी हाशिम अब्दुल्ला जहर ख़रीद लाए और उन्होंने कसम खाई कि अगर नासिर अब्दुल्ला ने उनके साथ पाकिस्तान का रोकना किया तो वो जहर खा कर ख़ुदकशी कर लेंगे उनका अजम पुख्ता था जिसका नासिर को अंदाज़ा हो गया चनाचे उसने हथियार डाल दिए और जज फजल सदक ने बड़े ख़ुफ़िया तरीक़े से उन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया सुल्ताना इस वक्त कहाँ थी वो बाप के कब्ज़े में भी नहीं थी इसे हुकूमती सरपरस्ती में धर्म रक्षा तंजीम ने महसूर कर लिया था जब इस बात की पूरी तरह तस्दीक हो गई कि वो पाकिस्तान चले गए हैं, तो सरवजा को गुजादर के हवाले कर दिया गया सरवजा यानी सुल्ताना की क्या कैफियत थी उसने सारे इस्लामी उसूल अपना लिए और उनकी पैरवी करने लगी हिंदू बरादरी ने बेचारे ठाकुर गुजादर का बाईकॉट कर दिया और वो अपनी हवेली में महसूर हो गया उसके दोनों बेटे पहले ही हवेली छोड़कर दिल्ली जाकर आबाद हो चुके थे बस ठाकर गुजादर इस हवेली में रहने लगा बंद हवेली के हालात किसी को नहीं मालूम थे लेकिन एक दिन पता चला कि सुल्ताना का इंतकाल हो गया है वो न जाने कब से भूखी प्यासी जिंदगी गुजार रही थी ठाकर गुजादर भी उसके साथ फ़ाक़े कर रहा था सुल्ताना के क्रियाक्रम की तैयारियाँ की गईं हिंदू धर्म के मुताबिक उसकी अर्थी तैयार की गई फिर उसे तैयार करके चिता पर लिटा दिया गया लेकिन चिता जलकर राख हो गई मनो लकड़ियाँ कोयला हो गई फिर सुल्ताना के सर का एक बाल तक नहीं झुलसा हिंदू पंडित आग भगोला हो गए हर कोशिश नाकाम हो गई दस बार चिता तैयार की गई और इस पर अर्थी रखकर आग लगाई गई लेकिन फिर भी आग लग कर न दी दुनिया भर के केमिकल डाले गए लेकिन लकड़ियां आग ही ना पकड़ती धर्म भक्तों ने कहा कि अर्थी को गंगा में बहा दिया जाए लेकिन कुजादर बंदूक तान कर खड़ा हो गया कि कोई इस इरादे से सरवजा के शरीर को हाथ तो लगा कर दिखाए कुछ दूसरे धर्म वालों ने कहा कि इसकी तदफीन एक मुसलमान लड़की की हैसियत से कर दी जाए लेकिन इस बयान पर पूरे मुल्क में फसादात खड़े हो गए तब गुजादर ने एक फैसला किया उसके दोनों बेटे तो इलाका छोड़कर दिल्ली चले गए थे उसने दूसरे लोगों से भी हवेली खाली करा ली और फिर सरवजा की लाश हवेली में रखवा दी और ख़ुद भी उसके पास रहने लगा उसे वहाँ से निकालने की लाखों कोशिशें की गईं उसके बेटे ने लाख कहा लेकिन फिर गुजादर ने वहाँ काया कुंडली रमाई और हवेली कील दी काया कुंडली हाँ काले इल वाले किसी जगह काला जाप करते हैं और वह जगह किल जाती है फिर उसमें जान बूझ कर या गलती से कदम रखने वाले पर काली आफतें टूट पड़ती हैं बल्कि उनका बचना मुश्किल होता है इस जाप का सारा इंतज़ाम पंडित राम सहाय ने किया था वो काले इल्म का माहिर है और उसकी इजाज़त उसे समामी धर्मानंद सागर ने दी थी फितरी तौर पर वो कटर काली दास है चनाचे उसने हवेली बंद कर दी उस वक्त से बाहर की दुनिया वालों को न ठाकर के बारे में कुछ मालूम है न सरवजा की लाश के बारे में कोई हवेली में गया भी नहीं आम तौर पर लोगों का ख़्याल है कि गुजादर ने बेटी के पास रहकर जान दे दी वो उसे चाहता भी बहुत था उसके बेटों ने भी उसका ख्याल ना किया कि उसे खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने का कोई इंतज़ाम था कभी किसी को नहीं देखा असल में मैं तो सामने ही था और आज तक रहता हूँ सबको जान प्यारी होती है ये ऐलान कराया गया था कि इस वाक़े को बिल्कुल दफन कर दिया जाए वरना ये शदीद ख़ून रेजी का बायस बन जाएगा हिंदू कभी इसे दफन न होने देंगे मुसलमान तो वैसे ही खामोश हैं इसके अलावा साधु संतों ने वहाँ इतने मंत्र इकट्ठे कर दिए हैं कि कभी किसी की इस मौजू पर बात करना या हवेली का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई फिर आप वहाँ क्यों आए और आपने ये ख़तरा क्यों मोल लिया बस दिल नहीं माना इस खौफ से अंदर गया था कि अल्लाह करे तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंच गया हो मैंने आपको बताया था मैं पहले भी हवेली में घुस चुका हूँ मुझे मालूम था जब रफ़ील्ला बीमार हो गए थे हाँ इस वक्त मैंने वहाँ चप्परखट पर उस लड़की अब मैं उसे फ़खर से सुल्ताना कहूँगा सुल्ताना की लाश देखी थी प्यारी सी शक्ल की एक मासूम सी लड़की जिसे लाश कहा ही नहीं जा सकता था इससे कुछ फासले पर एक कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बैठा हुआ था यकीनन वो गुजादर का ढांचा होगा जिसने अपनी बेटी के प्यार में वहाँ बैठकर जान दे दी रमज़ान खान ने कोई तबसरा नहीं किया लेकिन उनके बताए हुए वाकयात बड़े मुतासरकन और सनसनी खेज थे हाशिम अब्दुल्ला और नासिर अब्दुल्ला ने यह खेल खेला था कौन कसूरवार था ये अलग बात थी लेकिन पीपल का दरख्त उसके पास नज़र आने वाली चिता और रोती हुई लड़की उसकी कहानी मालूम हो गई थी सनसनी खेज बात यह थी कि ये कहानी लोगों के जहन में फ्रीज कर दी गई थी उसे सब जानते थे लेकिन जबान पर कोई नहीं लाता था काले जादू के माहन ने आला पैमाने पर उसे जहनों से महव करने की कोशिश की थी और उसे ज़बान पर लाने वाले को बदतरीन सजा से गुजरना होता था लेकिन अब रमजान खान का क्या होगा उसने पूरी कहानी मुझे सुना दी थी इस तरह मुझे पता चल गया था कि सुल्ताना की रूह मेरे सामने क्यों आई थी मेरा उससे रिश्ता जो था आप ठीक हैं रमजान खान मैं नहीं समझा मेरा मतलब है ये सब मुझे बताकर आपको किसी तरह का खौफ तो महसूस नहीं हुआ दिल की बात बता रहा हूँ और कसम खा कर बता रहा हूँ कि मुझे अंदर से इस कदर खुशी हो रही है कि बयान से बाहर है मैंने हक़ कोई की है मैंने एक सच्चाई बताई है मैंने यह बताया है कि एक मुसलमान दो चीज़ा को आग नहीं जला सकती छोटे मालिक क्योंकि यह मामला आपके वालिद से ताल्लुक़ रखता है तो यह सादत है मेरे लिए कि मैंने इसकी तफसील आपको बताई मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने यह तोफ़ी मुझे दी है तो मुझे कोई तरद नहीं है मैं मुतमिन हूँ लेकिन मेरे दिल में कुछ और ख्याल जाग रहे हैं क्या छोटे मालिक मेरे हाथरस आते ही पहली ही रात सुल्ताना ने मेरे सामने आकर अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाई वो मुझे ठंडी चिता के पास रो बैठी रोती नज़र आई मेरे ख़्याल में ये उसकी फरियाद थी उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी उसके बाद भी वो मेरे सामने आई शायद वो मुझसे मदद चाहती है कैसी मदद रमज़ान ख़ान ने पूछा ये उसी से पूछूंगा ए क्या मतलब आप मेरे बुज़ुर्ग हैं मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए वहाँ से निकल आया लेकिन अब मैं वापस हवेली में जाऊँगा रमजान ख़ान गर्दन झुकाकर सोच में डूब गए कुछ लम्हों के बाद उन्होंने गर्दन उठाकर कहा मैं क्या कहूँ छोटे मालिक अल्लाह जाने क्या होने वाला है मैं आखिरी हद तक अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करूँगा आप मेरे लिए दुआ करें और रफ़ील्ला मेरे दोस्त एक मिनट तुम ये कहना चाहते हो मंसूर कि तुम मेरी जिंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकते मैं इतना बुजिल नहीं हूँ कि अपने भाई को अकेला छोड़कर चला जाऊँगा वैसे भी तुम्हारे बहुत से कर्ज हैं मुझ पर एक आद तो अदा कर लेने दो मेरे कर्ज हाँ तुम्हारे कर्ज मनोड़ा गए थे हम लोग समंदर में नहा रहे थे मैं शेखी खोरी में पानी में बहुत दूर निकल गया था एक देव हैकल लहर ने मुझे अपनी आगोश में लपेट लिया साहिल पर मौजूद लोग चीख पड़े कोई चांस नहीं था बचने का मेरे भाई ने जान की परवाह किए बग़ैर ख़ुद को समंदर के हवाले कर दिया और मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया साहिल पर मौजूद नेवी के अफसरों ने तुम्हें दो हज़ार रुपये इनाम दिए और तुम्हारी जाबाजी की ज़बरदस्त तारीफ की थी बाद में हमने उन पैसों से खूब मज़े उड़ाए थे फिल्म देखी थी कटाकट और आइसक्रीम खाई थी मैंने हंसते हुए कहा मैं अपनी जान जैसे भाई को अकेला छोड़ दूंगा दोबारा ये मत कहना मुझे तो इस दिन का अफसोस है और उसके बाद से आज तक शर्मिंदा हूँ जब तुम हवेली गए थे और मुझे बुखार आ गया था तुम्हारी मर्जी रफ़ील्ला सुल्ताना मेरे बाप की मोहब्बत थी धर्म बदल लिया उसने अपना मैं होता तो खून के आखिरी कतरे तक अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करता नहीं छोटे मालिक नासिर अब्दुल्ला भी बहुत बहादुर थे उन्हें उनके माँ बाप के कत्ल की धमकी दी गई थी और नासिर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो सुल्ताना के बग़ैर पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन हाशिम अब्दुल्ला ने उनकी वालदा पर पस्तोल तान कर कहा था कि अपनी आबरू इन हिंदू दरिंदों के सपुर्द नहीं करेंगे और ख़ुद उन्हें गोली मार देंगे दो मिनट और गुजर जाते तो वो गोली चला देते तब नासिर अब्दुल्ला माने थे मुझे ये सुनकर खुशी हुई मैंने कहा और फिर रफ़ी की तरफ़ देख कर बोला मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं हूँ सुल्ताना मेरी सतीली माँ हैं एक मुसलमान खातून वो मुझसे कुछ चाहती हैं खुदा की कसम बस मेरे इल्म में आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए तो मैं वो करके जाऊँगा समझे ये खेल अपने सिरे से शुरू होगा रफ़ी और रमज़ान ख़ान देर तक ख़ामोश रहे फिर रमज़ान खान ने कहा और जो कसम आपने खा ली है छोटे मालिक उसके बाद समझाने की कोशिश भी गुना है आप आराम कर लें कल इस बारे में सोचेंगे कि क्या करें ठीक है हम चलते हैं कहाँ रमज़ान खान ने चौंक कर कहा वहीं हवेली में अरे नहीं छोटे मालिक ये आप क्या कह रहे हैं आपने मुझ पर जो एहसान किया है रमज़ान खान उसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है मुझे वहीं जाना है मुझे वो दोनों नहीं मिले कुछ भी हो लेकिन वो उनका मस्कन है और फिर यहाँ हिंदुस्तान में मेरा कयाम मुख्तसर है मैं इन नापाकवतों से तवील जंग नहीं लड़ सकता इसलिए मैं इनके तलस्म को बार बार तोड़ रहा हूँ ताकि वो बिखर कर मुझ पर हमला आवर हों और फैसला जल्द हो कोई सुनेगा तो मेरी गर्दन पकड़ेगा मैं गरीब आदमी हूँ खैर अल्लाह मालिक है मुझे आपकी दुआएं दरकार हैं मैंने कहा फिर रफ़ील्ला से बोला आओ रफी रफ़ील्ला को मैं आफरी कहता हूँ कि अब उसके चेहरे पर कोई खौफ का तासर नहीं था वो बड़े इत्मीनान से मेरे साथ चल रहा था रमज़ान खान ने उस दरवाजे के बारे में बताकर हमारी बहुत मदद की थी पहले हम जिस रास्ते से हवेली में दाखिल हुए थे वो बहुत मुश्किल था लेकिन ये रास्ता बहुत आसान था हम अंदर पहुंच गए हर तरफ हु आलम तारी था रफील्ला ने हंसते हुए कहा इतनी उम्र मेरी हो गई बेशक इधर आना जाना नहीं रहा लेकिन इस बंद हवेली की रवायतें जिंदा हैं कहीं न कहीं से इसका और गुजादर का तस्करा सुनने को मिल जाता था इकराम कभी अपने घर आता था तो मैं भी रमजान खान से मिलने आ जाता था दिन की रोशनी में भी कोई हवेली के पास से नहीं गुज़रता था रात तो दूर की बात है लेकिन तुमने तो इसे गोल्डन पार्क बना दिया है मंसूर तुम भी तो मेरे साथ हो मैंने कहा हम अंदर पहुंच गए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए वो खौफनाक शक्लों वाले मुजस्मे साखत थे जबकि पहले दिन मैंने पूरे होश में उनमें तहरीक देखी थी वो जादू के मुजस्मे थे शायद हवेली के महाफिज दफतन में चौंक पड़ा और रुक गया अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मजीद मालूम और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें शुक्रिया